गाजीपुर जखनिया से है, जहां विकास खंड सादात के ग्राम पंचायत खाजेपुर के लारपुर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता लालू ने मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई कर रहे ग्रामीणों को गमछा एवं मास्क वितरण किया। गमछा पाते ही ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। बताते चले कि लॉकडाउन में जगह जगह शिविर लगाकर बाहर से आने वाले प्रवासियों को मिनरल वाटर, बिस्कुट, फल वितरित कर रहे थे। इनके सहयोगी डॉक्टर विशाल राहुल, बीडीसी आशीष गौतम, दीपक सूरज, राजन भारती एवं अन्य लोगों की मौजूदगी में वितरण किया गया। जखनिया से अजीत कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे यहाँ कर रहे हैं जी। अच्छा बताइए जो कि इसमें सभी लोग तो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बाहरी प्रवासी हैं लोग कि गांव के लोग जो बाहर से आकर के? नहीं सर, खाली गांव के लोग, सब लोग गांव वाले बाहर से आए, वो एक बिहार से नहीं है। नहीं। और जिसे बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रदेश से घरों में दबक जा रहे हैं, दवा नहीं कराने जा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या? बेटा आप लोग दूरी बनाओ, कोई नहीं सर, कोई नहीं, तक दूरी बनाओ, बाहर जा रहे हैं, खुद गाँव के बाहर कर दे रहे हैं। हाँ, इससे बचने के लिए आप लोग जो है कि एकदम दूरी बना कर रखें। प्राथमिक विद्यालय दिया गया, क्वारंटीन सेंटर बनाया गया वहाँ जी जी जी, प्रधान जी देख रेख कर रहे हैं वहाँ से। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो जो है कि यहाँ आप लोग गमछा वितरित कर रहे हैं लालू भाई? अच्छा जी, तो कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया सर लग रहा है बाबू, आप लोग बताए अच्छा लग रहा है ना? चलो भाई आप बताइए, देखिए धूप में आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों को धूप से बचने के लिए लालू जी ने गमछा वितरित किया, जो कि आप लोगों को कम से कम धूप ना लगे और सेफ रहे, और मास्क लगाकर कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए दिया गया है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप लोग दूरी बनाए, एकदम दूरी बनाए। चाचा ये बताइए, इतना तेज धूप लग रहा है, आपको गमछा मिला कैसा लग रहा है आपको? मिला, गमछा मिला है आपको, शर्ट मिला सर ढकने के लिए, गमछा मिल रहा है, तो आप इस सब बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और बच्चों को ध्यान दीजिए, सारे लोग काम कर रहे हैं धूप से देखते हुए और अपने अपने काम सभी लोग कर रहे हैं, और भगवान करे कि आप लोग सब बच्चे जितने मनरेगा के अंतर्गत सब लोग कार्य कर रहे हैं, सब शर्ट और कोरोना इस बीमारी से बचे हुए रहे लोग, और काम जो है इतना तेजी से हो कि सबको भाई सरकार के मंशा के अनुरूप जो है खाने पीने में। अपना अपना जगह रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपना काम करिए आप लोग। सरकार का आदेश था कि अगर पकड़ेगा तो प्रधान के ऊपर निश्चित जाएगा, और जो कर्मचारी कर रहा है काम उसके ऊपर निश्चित जाएगा, जुर्म हो जाए। ऐसे काम हम लोग बार बार कर रहे हैं कि सरकार भी काम करता है, बड़ा बड़ा देगा ये हमारा। तालाब का ले लीजिए, अरे उन्होंने गमछा तो लगा था, उससे कम थोड़ी हो जाएगी मर्दा। आपका नाम क्या है? लालू। लालू आप यही रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ के रहने वाले। हमने तो आपको देखा है कि प्यारेपुर मोड़ पे, सादात रघुवंश चौराहे पे फल वितरित करते हुए मिनरल वाटर, क्या आप तो कई दिनों से काम कर रहे हैं क्या? 10-15 दिन से सबको पिला रहे, पानी है, फल है। ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं प्रवासी लोग, जी जी, उन लोगों को आप वितरित कर रहे हैं 15 दिन? जी जी। ये गमछा जो वितरण हुआ है, ये किसी फंड से हुआ है कि आप निजी फंड से कर रहे हैं? नहीं, अपने निजी फंड से, सबका सहयोग है। अच्छा, यानी आपकी टीम की पूरी सहयोग है, और टीम के सहयोग से मास्क और गमछा आपने वितरित किया है। कितने लोगों को बांटे हैं आप आज? 150-200 लोगों को बांटे हैं। 200 लोग लगभग? हाँ, दो जगह मनरेगा में काम हो रहा है। हाँ, एक यहाँ पे हो रहा है और अपने ग्राम लारपुर में हो रहा है। और ये कौन सा गांव है? हाजीपुर के अंदर ही है। हाजीपुर के ही अंदर ग्रामीण में है। ये ग्रामीण में है, तो अच्छी बात है, आप लोग इसी तरह लगे रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए यहाँ पालन हो रहा है बहुत कायदे, सब लोग एकदम दूरी बनाकर खड़े हैं और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मनरेगा के तहत जो तालाब की खुदाई हो रही है और प्रधान जी के अंतर्गत काम कराया जा रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।